मतलब मैं ऐसी जगह पसंद करता हूँ ज़्यादातर जो एकदम अकेले में सुनसान हो। नहीं तो ये मेरा स्टे है दो नाइट के लिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अपन रहने वाले इस हट के अंदर। हाँ जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11। सुबह सोचा था कि जल्दी निकल जाएंगे हम लोग, ने सोचा था निकलने के लिए यहाँ से 7 या 8 बजे ना, ताकि हम लोग 2 घंटे की ड्राइव करके वहाँ पहुँच जाएँ। पर 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन रुकते हुए चलेंगे, आराम से चलेंगे। मतलब चीज़ें इन्जॉय करना ज़रूरी है ना, रेदर देन कि जल्दी पहुंच जाएं फिर ये देखें वो देखें। भागा दौड़ी से अच्छा दोबारा चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग जो भी चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ें इन्जॉय करेंगे, आराम से करेंगे। तो हाँ, ये तो बताना भूल गया कहाँ निकल रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ लेक डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो अभी बज रहे हैं 11, 3 बजे से मेरा वहाँ पर चेक इन है और 3 बजे से तो खैर मैं पहले ही पहुँच जाऊँ वहाँ पर। बट काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर घूमने की भी है ना, तो अपन थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे, देख भी लेंगे लेक डिस्ट्रिक्ट में, और फिर कल अपन वहाँ पर आराम से घूमेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ट्रैकिंग वगैरह का भी देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो कि मुझे करनी है। तो देखते हैं अपन लोग, अगर नहीं होगा तो वापस घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब अपन हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलते हैं कि ये करना है वो करना है, स्ट्रेस लेके नहीं चलते हैं। तो जैसे स्ट्रेस से बाहर जाने के लिए ही घूमने के लिए जा रहे हैं, तो स्ट्रेस वहाँ साथ लेके जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हाँ, अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, सामान वामान मैं रखता हूँ गाड़ी के अंदर और फिर अपन क्या कहते हैं चलते हैं। हाँ तो भाई, सारी चीज़ें अपनी पैक हो चुकी हैं, एकदम तैयार है निकलने के लिए। ट्राईपोर्ट ले लिया, गाड़ी की चाबी ले ली, सामान अंदर है। नहीं चलो निकलते हैं यहाँ से, निकलने का टाइम आ गया है ना। चलो निकलने की एकदम अपनी तैयारी हो गई। अपन यहाँ पे भी मैप लगा देंगे, बट उससे पहले मेरे को ये वाला कैमरा स्टैंड है ना, ये वाला यहाँ से हटाना है ना, जो सुपरमैन के पास आपको दिख रहा होगा। तो अपन ने लिए दीदी अमिता दीदी, ये लेके आई थी इंडिया से, ये दिख रहा है आपको श्री कृष्ण जी और ओम। तो हाँ, ये मुझे यहाँ पे लगाना है और इस वाले स्टैंड को यहाँ से हटाते हैं, इसको कहीं और लगाएंगे अपन। तो भाई अपन ने हटा दिया है वो है ना जो कैमरा था, और ये अपन ने यहाँ पे लगा दिया ओम। अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा वो टेढ़ा हो तो मुझे बताना जरूर है ना, अगर आप लोगों को टेढ़ा लग रहा हो तो मैं इसको सही कर दूंगा फिर है ना। तो जो मेन रीज़न है ना मेरा जाने का, लेक डिस्ट्रिक्ट जाने का, मैं जैसे स्कॉटलैंड भी गया हूँ, मैं फ्रीक्वेंट ट्रिप्स कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि मैं 2-2.5 साल से यूके रह रहा हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं गया। खाली मैं जो भी चीज़ें कर रहा था मैं फ्यूचर ओरिएंटेड कर रहा था, मतलब मैंने मेरा बिजनेस किया स्टार्ट, वो किया चैनल का मैंने काम किया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने और भी करी हैं ना। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने फ्यूचर को लेकर कर रहा था, तो मेरे को इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिला था। अभी क्या है कि वो जितनी भी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, इस चीज़ को ये कबूतर ने किया है ना, इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर करो मेरे शीशे के ऊपर, सुबह ही अभी देखा मैंने तो भाई। हाँ, तो जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना ये, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी सारा स्ट्रेस भी होता है देखो इंसान को, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया अभी, मैंने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा लाइफ में ब्रेक लिया जाए इन सब चीज़ों से। मैं काम तो कर रहा हूँ फिलहाल, बट मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ। वैसे मैंने मेरे जो आर्स हैं वो भी मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, जो नॉर्मल आर्स में जो लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए 37.5, तो वो भी मैंने ड्रॉप कर दिए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मेरे ऊपर फिलहाल। तो उस सब चीज़ों से निकल के मैं थोड़ा कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, शायद अभी इसके इस वाले ट्रिप के बाद मैं दोबारा काफ़ी दिनों के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ संभालनी भी है अभी, है कि नहीं। तो ये मेन रीज़न है, और मैं सभी लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर हाँ लगता है कि यार थोड़ा वर्क लोड है या फिर थोड़ा स्ट्रेस है तो कहीं जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए। हो गया तेरा? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आप घूमने को एंजॉय करो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पेरेंट्स से बात करके एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो खाना बना के एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अकेला रह के एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारे लोग नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं। तो आपको खुद चूज़ करना है कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आप वो चीज़ें करो। मैं तो सबको ही बोलता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि या फिर मेरे को देख के या फिर किसी और को देख के चलो घूमने चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर एक के इंजॉयमेंट का ना एक अलग वो होता है, मीनिंग होता है हर लोग के लिए इंजॉयमेंट के लिए। तो हाँ, चीज़ें अलग अलग होती हैं हर लोगों के लिए। प्लीज़ मेक श्योर जो चीज़ आपको पसंद है वो करो, लेकिन तो हाँ मौसम इतना सही हो रखा है, वैसे तो मैंने खाली एक दिन के लिए बुक किया हुआ है, अगर अच्छा लगेगा वहाँ मौसम सही रहेगा तो मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा और मैं आपको रेट भी बताऊंगा। और आप मुझे ये भी बताना, मैं पहुँच के दिखाऊंगा, काफ़ी सुंदर है दिखने में। आप मुझे बताना कैसा मैंने जो मैंने बुक किया है, जब मेरा स्टे बुक किया है, कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगेगा ना, आप लोग मुझे बताना इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में कि भाई अच्छा लगा या नहीं लगा ना। तो चलो अपन पहुंचते हैं यहाँ से लेक डिस्ट्रिक्ट। अभी तो मेरे एरिया में ही घूम रहा हूँ, मैं यहाँ से अभी निकलूंगा और मेरे को 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचते। फिर देखते हैं अपन कैसा मिलता है, कैसा लगता है। फोटो में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। हाँ तो भाई, अभी अपन ना यहाँ पे लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता तो अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अपन फिलहाल पहुँच गए हैं कैंडल, और अभी मैं जा रहा हूँ M6 के ऊपर, जो हाईवे है, मोटरवे है ना, अपने हाईवे बोलते हैं यहाँ पे, मोटरवे बोलते हैं उसको ना। तो हाँ, अभी मैं उसके ऊपर हूँ और यहाँ से हाथ मार के मेरे को 1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने में। बट फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके सर्विस सेंटर पर रुकूँ, थोड़ी देर चाय कॉफ़ी पीते हैं अपन, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे अपन, है ना। चलो भैया ना, यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन है, एक छोटा सर्विस स्टेशन मेरे को मिला है, वहाँ पर मैं रुका हूँ। और आप लोग देख लो यहाँ पे ना, ग्रैक्स भी है और कोस्टा कॉफ़ी भी है ना, कोस्टा एक्सप्रेस। तो यहाँ पे अभी अपन रुके हैं, और पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा मौसम भी दिख रहा होगा, पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, धूप भी आ रही है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हूँ, चाय वाय पीते हैं, मतलब कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और कुछ खाते पीते हैं यार, है ना।
मैंने सोचा था कि चार्जिंग के लिए यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, बट चार्जिंग के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम लोग चार्ज हो जाते हैं, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। ग्रेक्स से काफ़ी सारा सामान लेके आ गया हूँ यहाँ पे ना, ये तो भाई भगवान की दया से ग्रेक्स मेरे को मिल गया है यहाँ पे। अपन ने कॉफ़ी वगैरह ले ली है और कुछ खाने पीने के लिए भी ले लिया है, चिप्स वगैरह ले ली है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो हाँ, भगवान की दया से मिल गया, चलो पेट पूजा करते हैं यहाँ पे। अभी मैंने गाड़ी लगा रखी है ना, मतलब हर जगह रुकता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है, मैं क्या ही बताऊँ ना। तो ये देखो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जस्ट नीचे दिख रहा है मेरे, ये देखो दिख रहा है। अगर भाई मेरे साथ लड़के होते यहाँ पे फिलहाल, तो मैं पता क्या करता, मैं इस वाले झूले में जरूर झूलता एक बार के लिए। पर कोई है नहीं यार अपने साथ झूलने के लिए, वरना कोई हो तो मैं ज़रूर दिखाता ये काम करके आप लोगों को। और चलो, मतलब काफ़ी सही बना के रखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे ना। ये मैं नीचे जाके और दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को, दिख रहा है कैसे दुर्गम रास्तों पर चलते हुए ये शेर बहादुर जा रहा है। देखो अभी अपन लोग ना लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो मेरा स्टे है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ वो यहाँ से 2 माइल की दूरी पे है। तो मैं फिलहाल रास्ते में रुक गया हूँ। तो यहाँ पे एक ही लेक नहीं है, काफ़ी सारी लेक्स हैं यहाँ पे आसपास में, बहुत सारी लेक से मिलके ही लेक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है ना। और भाई ये जो पानी है इतना क्लियर है कि आप नीचे बॉटम इसका देख सकते हो, है ना। तो एक बार कैमरा में चारों साइड दिखा देना, पूरी जो लेक की जो भी है नज़ारे हैं दिखा दिया जाए एक बार। उस साइड भाई कोई नहा रहा है इसलिए मैं उस साइड जा नहीं रहा हूँ, है ना। अपन जाएंगे एक बार, वो निकल जाए यहाँ से तो चली जाएगी ना, फिर अपन लोग मैं आप लोगों को वहाँ का दिखाऊंगा। और शायद मैं स्विमिंग सूट लेके आया होता तो मैं भी ज़रूर आप लोगों को दिखाता पानी में उतर के। और दूसरी चीज़ ये भी है भाई, मेरे को तैरना भी नहीं आता। तो भाई आप देख सकते हो पीछे लेक है ना, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को वहाँ पहुँचने के लिए। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोग देखोगे नीचे एकदम ज़मीन यहीं पे है, मतलब पानी इतना क्लियर है कि आप नीचे की सारी चीज़ें देख सकते हो, मतलब जो भी जानवर है या फिर मिट्टी है जो भी है सब चीज़ें आपको नीचे वैसे दिख जाएंगी। बट मेरे को तैरना नहीं आता, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए अपन नीचे नहीं जाएंगे और अपन अभी चलेंगे पहले अकोमोडेशन चलते हैं। तो भाई अपन थैंक यू, तो 1.6 माइल यहाँ से अपना बचा हुआ है, और आप लोगों को पीछे लेक दिख रही होगी। और एक बार कैमरामैन बैटरी दिखाना, मेरी गाड़ी की बैटरी सिर्फ 10% बची है, 14 माइल अपनी गाड़ी अभी यहाँ पे चलेगी और जो बचा है 1 माइल। तो भाई हाँ, अपने पास थोड़ा बहुत है, 10-1 माइल का लेफ्ट और बच जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा हुआ है, वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि चार्जर अवेलेबल है, तो देखता हूँ भाई अगर चार्जर अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई आज यहीं पे रहेंगे और ताउम्र यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास बैटरी नहीं है और यहाँ पे आसपास कहीं पे भी चार्जर नहीं है। तो भाई अपन यहाँ पे अभी लगभग पहुंच चुके हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद यही इसका एंड है ना। और अपन अभी ढूंढते हैं जहाँ पे अपन ने अपना अकोमोडेशन बुक किया हुआ है उसको, और देखते हैं क्या माहौल है। टर्न राइट बोर्ड्स अपन देखते हैं। योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। भाई ये है अपना यहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ पे अपन ने बुक किया हुआ है, बाकी मैं दिखाता हूँ अपना जो मेन स्टे है वो कहाँ पे है कैसे है। और ये आप लोग देख सकते हो ये लोकेशन, तो मतलब मैंने मेन गांव में आके एकदम गांव के अंदर आके ये लोकेशन बुक करी थी एक नाइट के लिए। तो अभी आधा घंटा है अपना जो चेक इन टाइम है उसके अंदर, पर मैं बाकी चीज़ें पता कर लेता हूँ। तो भाई ये पब है और मेनली मैं वो कार चार्जिंग का जो इशू था तो उन्होंने बताया कि अभी बताएंगे कार चार्जिंग यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो भाई भगवान की दया से ना अपने को यहाँ पे कार चार्जर मिल गया है, तो मतलब इन्हीं लोगों का है कार चार्जर, क्या बोलते हैं इनका, जिनका ये पब है, ये सामने पब है यहाँ पे ना। तो शाम की टेबल बुक करी है मैंने यहाँ पे 7:30 बजे की, और बाकी जो मेरा स्टे है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, तो आप लोग नेचर देख सकते हो यहाँ पे, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, मतलब मैं ऐसी जगह पसंद करता हूँ ज़्यादातर जो एकदम अकेले में सुनसान हो। नहीं तो ये मेरा स्टे है 2 नाइट के लिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अपन रहने वाले इस हट के अंदर, जो आपको ये पोर्ट दिख रहा है इसके अंदर अपन रहेंगे बाकी 1 नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए नहीं। अगर सही लगेगा तो मैं एक्सटेंड करवा लूँगा, थोड़ा मेरे को काम भी है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी वापस जाना पड़ेगा, बट हाँ 1 नाइट तो अपन यहाँ पे हैं। तो भाई अभी इसकी एंट्री यहाँ से है, ये इसकी एंट्री है यहाँ से एंट्रेंस। तो भाई ये इसका एंट्रेंस है यहाँ से ना, यहाँ से चलते हैं पहले अपन अंदर। लेनी हो
दिखा देता हूँ मैं एक बार। वही अपना ये स्टे है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये अपना स्टे है एक नाइट के लिए। तो ये अपना डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, है ना। अगर हमको कुछ भी खाना है, बनाना है, जो भी चीजें करनी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये अपना बेड है ना, डबल बेड इन लोगों ने देके रखा हुआ है, जो कि पूरी नाइट के लिए। अब काफी अच्छा बाहर से भी, यहाँ पे खिड़की में से भी काफी अच्छा व्यू है, अगर आपको दिख रहा हो तो, मेरे को तो काफी सही लगा। बाकी ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे भी अगर कोई सोना चाहता है तो वो सो सकता है, है ना। तो ये अपना लाइट और जला देता हूँ, लाइट जलाने से शायद आपको और भी अच्छे से दिखे। तो ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है। दूसरी से आप देखोगे तो वहां पे बाथरूम भी टांगे हुए हैं, किसी ने गाउन है बाथरूम है, अगर कोई यूज करना चाहता है तो वो चीजें वहां पे यूज कर सकता है, है कि नहीं। चलो एक चीज और दिखाता हूँ, ये यहाँ पे माइक्रोवेव दिया है इन्होंने, अगर किसी को माइक्रोवेव यूज करना है, अगर खुद का खाना अगर कोई लेके आया है तो उसको यहाँ पे माइक्रोवेव कर सकता है, है ना। बाकी मैंने मेरी जुल्फे थोड़ी पीछे कर ली है ना। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक छोटा सा फ्रिज है जिसको हम यूज करना चाहें तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, है ना। बाकी भाई इन लोगों ने बाकी सारे बर्तन वर्तन ये सारी चीजें यहाँ पे देख के रखी हुई है, ग्लासेस भी दिए हुए हैं, काफी सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आप लोग देखो तो ये सिंक है, ये हॉट केटल है अगर हमको चाय बनानी है यहाँ पे, दूसरा फिर हमारा ये क्या बोलते हैं टोस्टर है अगर आपको टोस्ट करना है। ये यहाँ पे बाथरूम है, एक तो शावर एरिया है यहाँ पे और दूसरा नॉर्मल जो बाथरूम है अपना, है ना, कमोड वगैरह। लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो, है ना, काफी सही तरीके से बनाया, काफी सुंदर तरीके से। और अगर आप देखते हो इस साइड, और ये अपना बेड, और भाई अगर आप लोग इस साइड देखते हो तो ये अपना मेन डोर है, और मेन डोर के बाहर अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये देखो, तो काफी अच्छा एरिया है, काफी अच्छा नेचर है ना यहाँ पे, तो मेरे को तो आके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे भाई। ऐसा मतलब प्रोमिसिंग चीज है ना, ये चीजें होनी चाहिए लाइफ में, आप आओ ऐसी जगह एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतने व्यूज नहीं आते हैं ऐसे वाले वीडियोस के ऊपर, इतनी सब चीजों के ऊपर, बट फिर भी ना जो बंदा ये वीडियो बनाता है वो काफी ज्यादा एंजॉय करता है इन सब चीजों को। भाई ये होटल है यहाँ पे, यहाँ पे इसको कैसे ऑपरेट करना है ये मैं उन लोगों से पूछ लूंगा कैसे क्या करना है इसके अंदर। कैसे इसको ऑपरेट करना है, अगर बारिश नहीं आएगी शाम को तो आराम से हम लोग इसके अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी पब से या तो मैं खाना यहाँ पे लेके आ जाऊँगा या फिर शाम को आपको पब में लेके जाऊँगा, वो आपको मैं दिखा दूँगा, है ना। तो होपफुली भाई आपने जो ये वीडियो है, आपने जो ये व्लॉग है, इसको एंजॉय किया होगा और आपने देखा होगा कितनी मस्त जगह में आया हुआ हूँ। तो चलो मैं भी इसको एंजॉय करता हूँ, आप भी अपने टाइम एंजॉय करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए वैसे भी लोगों को राम राम।